अहमदाबाद से लगभग 200 गुरु भक्त विगत दिनों ताजनगरी आगरा में निर्यापक मुनि पोंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन को आए। आगरा में आगमन पर सभी गुरु भक्त अत्यंत उत्साहित थे। आगरा आगमन पर इन गुरु भक्तों ने जिनवाड़ी चैनल के मुख्य कार्यालय का भी विजिट किया। चैनल के क्रिएटिव हेड अखलाक हुसैन ने सभी अतिथियों के सत्कार के साथ चैनल की गतिविधियों से रूबरू करवाया। स्टूडियो में हुई चर्चा के दौरान अतिथियों ने आगरा आगमन के संबंध में अपने भाव व्यक्त किए। मैं सुधा सागर जी 2004 में जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उदयपुर में चतुर्मास किया था अशोकनगर में, उधर प्रमुख प्रतीक सागर जी का था, इधर सुधा सागर जी था। तो मैं उस समय डूंगरपुर से बिजनेस नया चालू करके उदयपुर में बिल्डर का बिजनेस चालू किया था। तो मैं अशोकनगर उनके प्रवचन सुनने जा उनके शिविर में भी गया, तो मुझे उस समय से उनसे जुड़ने का मौका मिला। तो मैं उनसे जुड़कर अपने आप में उससे कई साधुओं से जुड़ा हुआ हूँ और कई संस्था में से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं हर संस्था में कई धर्म के नाम पर कोई कोई इंद्र बनने की कोशिश करता हूँ और हर धर्म में भाग लेता हूँ। और धर्म के मामले में अभी मैंने उदयपुर में भी प्रतिष्ठा भी कराई, देहरोल में कराई, उदयपुर बलीचा में भी कराई, और अभी समीसगढ़ में भाग लेने का मौका मिला। मांगी तुंगी में भी मैं आगे रहा, बाहुबली में पूरे राजस्थान का संयोजक रहा, महावीर जी में राजस्थान का संयोजक बन गया, ईसान बनने का सौभाग्य मिला मुझे। तो मैं अपने आप को गौरवशाली पुण्यशाली समझता हूँ कि धर्म के पथ पर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने जैन धर्म कुल में जन्म लिया है। जिस दिन से जन्म लिया तब से ही एक चीज़ ये है कि अपने आप को धन्य मानते हैं कि इतनी कठोर तपस्या जिस धर्म के अंदर है उस धर्म के साथ निभाने को चांस मिला है और पूरी लाइफ निभाएंगे ऐसा सोचते हैं। और जितने भी हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, साधु साध्वी जी हैं, उनके जो त्याग हैं, उनके त्याग की महिमा के बारे में कुछ बयान करने जैसा नहीं है। हम कुछ सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा उनका कठोर तपस्या है। आज मैं हुमड समाज से हूँ और हम हुमड समाज के 180 मेंबर्स यहाँ आए थे। और आज यहाँ पर हमारा जब दिन नक्की हुआ और जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ कि सुधा सागर जी महाराज जी का चतुर्मास आगरा में होने वाला है, तो एक हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगने वाले हैं, ये एक सोच आ गई थी। रहा आपने क्वेश्चन करा है कि आपको आगरा वासियों को ये सौभाग्य मिला, तो हम तो आगरा आने के बाद में और खुश हो गए कि हमें आचार्य गुरुदेव के दर्शन मिल गए। और इस टाइम पे अहमदाबाद में आरिका पुण्यमती माता जी का यही संघ की आरिका जी हैं जिनका चतुर्मास चल रहा है। और हम चाहते हैं कि आगे आगरा वालों को या तो अहमदाबाद वालों को आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के भी दर्शन करने का, बाकी हमारे साथियों ने बताया उसी अंदर मैं कहता हूँ कि एक दिगंबर साधु के दर्शन करने से अपने करोड़ों करोड़ों पुण्यों का संचय होता है। मेरे मदर सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जिनवाणी चैनल देखती है, तो जब उनको पता चला कि हम लोग आगरा यात्रा करने जा रहे हैं तो सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करके ही आना और उनके बहुत ही अच्छे आशीर्वाद लेके आना और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके धर्म की राह पे, ऐसा आशीर्वाद लेके आना, ऐसा मेरी मदर ने बोला और आज हमें वो आशीर्वाद मिल गए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली समझता हूँ कि ये आशीर्वाद हमको मिले। आगंतुक अतिथियों का जिनवाड़ी चैनल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जैन जी द्वारा तिलक लगाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। सभी अतिथियों ने चैनल के CMD महोदय से समाज के उत्थान पर चर्चा भी की। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।